Good morning everyone. In this video I am going to learn you about HTML comments. In the last video we have seen the theoretical part of HTML comments और उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML comment क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है. तो हमने बताया था कि comments क्या है, एक ऐसा टैग है, ये भी एक कोड है जो दूसरे कोड्स का यानी कोड्स का ये क्या देते हैं, explanations देते हैं. और कमेंट्स को हम HTML में HTML फाइल में HTML कमेंट्स ही बताते हैं. कमेंट्स यानी कमेंट टैग के जब हम कमेंट्स को लिखना है तो हम टैग के अंदर लिखते हैं और ब्राउज़र उसको यानी क्या कर देते हैं, इन बिटवीन रिटन बिटवीन दिस टैग्स, यानी जो कमेंट टैग के अंदर ही हम उसको कमेंट्स को लिखा जाते हैं जो ब्राउज़र को यानी इग्नोर कर देते हैं, इसलिए वेब पेज पर नज़र नहीं आते हैं. कमेंट से क्या होता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं, यूज़र्स को यानी कोड अच्छे से समझ में आ जाते हैं. तो ये इसलिए समझ में आ जाते हैं, इसलिए यानी उसका यानी इंक्रीज इसका रीडेबिलिटी इंक्रीज इसलिए है, इससे यानी रीडेबिलिटी इंक्रीज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये यानी कोड का क्या देते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं. तो कमेंट्स को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये इसका ये क्या है, सेंटेक्स है. चलो हम देखेंगे इसको नोट पैड. सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन करूँगी, फिर इसके बाद हम कमेंट्स का एग्जांपल दे दूँगी. तो ये हमारा था प्रैक्टिकल्स है. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे HTML लिखूँगी, HTML का स्ट्रक्चर बनाऊँगी. इसको मैं थोड़ा जूम करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से कोड समझ में आ जाएंगे. HTML हैट, फिर इसके बाद टाइटल में हमेशा हम टाइटल ऑफ द पेज लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे थ्रॉट PRACTICAL प्रैक्टिकल लिखूँगी, फिर इसके बाद HTML लिखूँगी. सॉरी, टाइटल को क्लोज करूँगी, फिर इसके बाद हेड को क्लोज करूँगी, फिर इसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करेंगे. तो बॉडी को मैं साथ में यहाँ पे क्लोज करूँगी, फिर इसके बाद HTML को क्लोज करूँगी. तो मैं जो भी लिखूँगी इसके अंदर बॉडी के अंदर लिखूँगी. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे कमेंट्स लिखूँगी, जैसे this is an example of comment कमेंट. तो मैं इसको क्लोज करूँगी, जिस तरह हमने इसका टैग यूज़ किया था वैसे ही हमें लिखना है. तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी this is our thought practical. तो ये हमारा क्या है, थाट प्रैक्टिकल है, ये मैंने बॉडी के अंदर लिखा. और ये हमारा कमेंट्स है. तो चलो हम इसको सेव करके देखते हैं कि क्या होता है. सेव करूँगी, ये हमारा क्या है, थाट प्रैक्टिकल है .html नाम पे मैं सेव करूँगी इसको, फिर और टाइप लगाऊँगी, फिर इसके बाद इसको सेव करूँगी. चलो हम ब्राउज़र में इसको देखते हैं कि ये क्या होता है. तो एग्जांपल में जाएंगे, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे मेरा थाट प्रैक्टिकल्स को मैं इसको रन करूँगी. तो ये क्या होगी, देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, डिस्प्ले हो गया. तो यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे आ रहे दिस इज़ आवर टेक्स्ट, ये हमने बॉडी के अंदर लिखा तो इसलिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नज़र आ रहे. बाकी दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कमेंट्स, ये हो क्या हो गया, यहाँ पे इग्नोर हो गया क्योंकि ब्राउज़र इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ये नज़र नहीं आते. इससे यानी क्या बन जाते हैं, हमारी कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं. तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएंगे. नहीं आएंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम इसका फिर से वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगी. तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू.